Dear students, a very great morning to all of you. Welcome to Asha Deep Senior Secondary School, Powtry Road, Smalkha. I hope you all are good at your home and healthy also. So, as we have already completed our chapter number 1 and 2. So, today we have our chapter number 3, that is more about numbers, exercise A of 5th class. So, here this is picture of your book. Clear? So, we have first question, that is fill in the blanks. Filling the blanks, do complete this question in your book. Clear? और book में complete कैसे करना है वो मैं आपको class में बता दूंगी. ठीक है, discuss कर लेंगे इसके बारे में. Second जो question है, second question क्या है? Determine whether 39 is a factor of 13,962. So yes, आप इसको जब divide करेंगे ना इससे तो ये divide होगा. That means 39 is a factor of, this is a factor of this given number. ठीक है, next है 43 is a factor of 85,727. So no, because this is not divisible by this number. Clear? So we have question number 3rd is without actual division show that. क्या show करना है आपको कि 19 जो है, क्या 19 factor है इसका, किसका, जो given number दिया है आपको, क्या number given है? यस, इसको रीड करके दिखाऊं, देखो मैं आपको यहाँ पे राइट करके समझा देती हूँ थोड़ा सा. जैसे आपके पास क्या दिया है, 19 गिवन है और 19 को क्या पूछा है, क्या 19 जो है ये इसका फैक्टर है 190019. ठीक है, सो दिस इज 1 लैक. आप इसको कोमाज इंसर्ट कीजिए यहाँ एंड यहाँ, तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, 1,90,090. क्या रीड करा मैंने इसको, 1,90,090. क्लियर है? तो हमें ये बताना है कि जो 19 है क्या इसका फैक्टर है. सो हम कैसे इसको करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए 19 वन ज़ा 19. क्लियर? एंड 19 वन ज़ा 19, ना ये ज़ीरो कैरी करेंगे ऊपर से, ज़ीरो तो नहीं जाएगा, तो ज़ीरो, देन ज़ीरो, वन भी नहीं जाएगा, एंड देन अगेन 19 वन ज़ा 19, तो कैंसिल हो गया. दैट मीन्स डिविजिबल है इससे, डिविजिबल है तो ये फैक्टर है इसका. ठीक है, सो दिस इज़ योर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd. सो सिमिलर है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2nd भी आपका. इसमें क्या बोला है, 24 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर. सो 24 भी इससे कैंसिल हो रहा है, सॉरी 24 है, 24 भी कैंसिल हो रहा है. सो येस, 24 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर. सो क्वेश्चन नंबर 4th इज, क्वेश्चन नंबर 4th की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच इज लेस देन 100. तो 100 से हमें छोटा नंबर बताना है और जो 4 से मल्टीपल हो, 4 से मतलब उसका कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 से, तो क्या होगा, 96. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 विच इज ग्रेटर देन, यहाँ देखो 100 लिखा है, ठीक है, ग्रेटर देन 100, आप इसको 1000 कर लेना, ग्रेटर देन 1000. क्यों करेंगे 1000, 100 भी ठीक है, बट 100 से ग्रेटर देन तो देखो 200 भी है, 300 भी, 500 भी, सारे ही हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू आपके जो पीछे आपका जो आंसर बुक में राइट है ना, वो 1100 है, सो दैट्स वाई यहाँ आप 100 कर लेना, सॉरी 1000 कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, राइट ऑल फैक्टर्स. फैक्टर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, 23 गिवन है, अब 23 आप सभी को पता है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के तो फैक्टर क्या होता है, इट इज़ डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ. सो 1 मल्टीप्लाई 23 एंड 23 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से लिख सकते हैं बस, हम इसको और कोई दूसरा मेथड ही नहीं है इसको लिखने का. सो एक फैक्टर्स का 1 है और एक फैक्टर्स का 23 है, सिमिलर यहाँ पर ही है. ठीक है, सो 1 एंड 23 इसके फैक्टर हैं. नेक्स्ट नंबर आपके पास गिवन है 48, आप 48 अब आप देखेंगे कि किस किसकी टेबल में आता है. ठीक है, तो वही इसके फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3, 4, 6, 8, 12, 16. ठीक है, और 24 एंड 48 खुद के में तो आएगा ही वो टेबल में, एंड 1 तो सबकी टेबल में होता ही है, तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला इसमें. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला होता तो वो मैं ऐसे करके दिखाती है, मैंने आपको शॉर्ट में साइड में थोड़ा करके दिखा रखा है. ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, बट आपको सीधा इसके फैक्टर बताने डायरेक्ट. ठीक है, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 इज, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल. फर्स्ट 5 मीन्स जैसे आपको 23 गिवन है, टेबल लिखनी है डायरेक्ट आपको, 23 मल्टीप्लाई 1 इज 23, 23 2 ज़ा दैट इज 46, एंड 23 3 ज़ा 69, और 23 4 ज़ा 92, 23 5 ज़ा 115. क्लियर? तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं,
सॉरी फैक्टर्स नहीं मल्टीपल, मल्टीपल है किसके 23 के, मल्टीपल और देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या है मल्टीपल है किसके 23 के, क्लियर है। सो सिमिलर आप 32 के भी निकाल देंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी। इसी तरह से आपको 5 तक टेबल लिख के दिखानी है, 32 1 जा 32 2 जा, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है इसका, यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं आप इसका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इवन इवन नंबर विच इज, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब आर का आना चाहिए वहाँ पे रिमाइंडर आना, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। ओके आर इज इक्वल्स टू जीरो, मस्ट बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप रिमाइंड आप ये लिख देंगे आप 21 से 40 के बीच में जितने भी आपको इवन नंबर दिखते हैं मल्टीपल ऑफ टू वो आप इसमें राइट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पूरे रिटन फॉर्म में भी दे रखे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओड नंबर लिखना है आपको, ओड कहाँ से कहाँ तक लिखना है इसका ही सेकेंड पार्ट है, सॉरी पार्ट नहीं है मतलब इसमें ही है 11 से 35, तो यहाँ पर मैंने सारे दे रखे हैं। ओड नंबर क्या होते हैं जिसमें रिमाइंडर क्या हो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, और हम क्या बोल सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हमेशा ओड नंबर, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ओड नंबर है 11 और 35 के बीच में वो आप राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 9, इसमें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने आपको अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि क्या होते हैं ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होंगे और किससे डिवाइड नहीं होंगे, तो उनका भी मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है, ठीक है। आंसर आपको सारे गिवन है और ये क्लास में भी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको समझाना मुश्किल है वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेक अ लिस्ट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन ट्विन मतलब कि क्या होंगे प्राइम नंबर होने चाहिए, वो क्या होंगे 3, 5, 5, 7 जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। 11 नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इवन प्राइम एज अ सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर, जो 36 है देखो इसको हम किसके सम में लिख सकते हैं, ऐसा सम देना जो प्राइम भी हो, तो 36 और जब आप किसको प्लस करोगे सॉरी 13 और किसको प्लस करोगे 23 को, तो आपको 36 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसके सारे पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ना सम ऑफ ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर में 35 को दिखाना है तो 5, 7 और 23, 3 दिखाने हैं इसमें हमें सम, 3 ये होने चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो क्या है 5, 7 और 23, 3 फैक्टर्स हो गए हैं, 3 पेयर्स हो गए इसके, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम में भी क्या है सिमिलर, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ ट्विन प्राइम बताया था, ठीक है। सो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इनके सम करके लिखना है, सम बस जो आपको गिवन है वो आना चाहिए, जैसे 36 आना चाहिए सम, दूसरे में 84 आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ आप, 14 आप कर लेना खुद से ट्राई, 15 मैं आपको बता रही हूँ 15 इसको भी बस सिंपल है, 100 को ब्रेक कर करके दिखाना है आपको प्राइम नंबर्स के साथ। 16 था आपका ट्रू फॉल्स है, ये मैं आपको क्लास में डिस्कस करूँगी, क्वेश्चन नंबर 1 और 16 रह गया आपका जो क्लास में डिस्कस होंगे, बाकी सारे बिल्कुल ईजी हैं या फोर्थ क्लास में करके आए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको, और नहीं आया तो वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।